इनके साथ हम आए हुए हैं श्रीमान ब्रजेश नारायण सिंह प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर अयोध्या फैजाबाद और यहाँ के प्रधानाचार्य श्रीमान विष्णु बिहारी शुक्ल जी हमसे सभी लोग ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सीनियर क्रांति आदेशानुसार 10 तारीख सायंकाल से आपके विद्यालय में आना हुआ। कल आप सबसे मुलाकात हुई, आज तक अभी नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और ये गौरव का विषय है। हमारे आचार्य दीदी जी और मेरे भैया बहनों आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सबका स्वागत हुआ, अच्छा लगा। भैया बहनों को एक बहुत कथा के माध्यम से कुछ सुझाव देना है। 19वीं शताब्दी के महान आए, आप लोगों ने सुना होगा युवा पीढ़ी के विवेकानंद जी का नाम कितने लोगों ने सुना है। ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगी, बात नहीं करना चाहिए। हाँ, नीचे जरूर भैया। विवेकानंद जी एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे और कुछ भैया लोग तालाब से मने नदी में एक बैठा हुआ बताते हैं कि अंग्रेज का छिड़का था बड़ा जा रहा था, तो भैया लोग उस पर निशाना लगा रहे थे, बार बार निशाना लगाते थे, निशाना उनका चूक गया था। भैया स्वामी जी उधर से निकले तो उन्होंने देखा कि भैया भाई निशाना लगाते हैं लेकिन निशाना लग नहीं रहा, तो स्वामी जी ने उसे धनुष बाण दे दिया और निशाना लगाया और सटीक निशाना बैठ गया उस पर। ऐसे करते करते 7 से 10 निशाना स्वामी जी ने लगाया। भैया बहनों को आश्चर्य हुआ कि हम लोग इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम सफल नहीं हुए और इन्होंने कौन सा जादू डाल दिया कि इनके सारे निशाने सटीक बैठे हुए। तो स्वामी जी से जब भैया बहनों ने प्रश्न किया तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि भैया देखो, जैसे हम निशाना लगा लेते हैं ऐसे तुम भी निशाना लगा सकते हो, परंतु एकाग्र चित्र होने की आवश्यकता है, साधन करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जिस लक्ष्य की ओर आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान से कार्य करेंगे तो निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से भैया बहनों हमको शिक्षा मिलती है कि जैसे जिस कार्य को हम करें पूर्ण मन से और ध्यान पूर्वक कार्य करें। प्रधानाचार्य जी ने आपको कल एक छोटा सा काम दिया था कि दो लोगों का नाम याद करना था और आगे से ज़्यादा भैया लोग नहीं याद कर पाए, तो आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें बहुत कुछ याद करने को रहता है, तो कैसे याद करेंगे। इसलिए पढ़ते समय मन को एकाग्र चित्त होकर के पढ़ना, ध्यान पूर्वक पढ़ना।